हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हमने पिछली क्लास में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्न हल कराए। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर मोटर वाहन उपनिरीक्षक परीक्षा 2021 का है, जो 12 फरवरी 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। इसका कोड 109 ए होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी BDO प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया? 91, 89, 92 या 88? ऑप्शन बी 89। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है। ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी राज्यपाल। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 194? ऑप्शन सी अनुच्छेद 164। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली? ऑप्शन डी मेवाड़ शैली। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा उदयवान, राजा मानसिंह? ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह। हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां हैं। राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है या व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द? ऑप्शन बी बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना।
राजस्थान का कोदरीवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? चांदी, मैग्नीज, सीसा और जस्ता या तावा? ऑप्शन डी तावा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? गंगा, सतलज, यमुना या गग्गर? ऑप्शन बी सतलज। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रोही, गग्गर, चार्स या दया? ऑप्शन ए रोही। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? 9 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1973, 1 दिसंबर 1972 या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी 1 सितंबर 1973। राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? रॉक फास्फेट, जिंक, चूना पत्थर या माइका? ऑप्शन ए रॉक फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी श्रीगंगानगर। सर उरोज ने किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? कंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या बहादुर शाह जफर? ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया? 5, 7, 6 या 8? ऑप्शन सी 6। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा? ऑप्शन ए जयपुर। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था? एकी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या दुधवा खारा किसान आंदोलन? ऑप्शन बी बिजोलिया किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास। दोस्तों ये प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों यही प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना जरूरी है जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को एक सही मुकाम तक पहुंचा सकें।
नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। सीकर, नीबूचाणा, डीडवाना या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी नीमूचाणा। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? दापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन बी किशोरी देवी बजाज। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल या मास्टर आदित्येंद्र। ऑप्शन सी कृष्णदत्त पालीवाल। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? मेजर शैतान सिंह, गुलाब चंद कासलीवाल, मास्टर भोलेनाथ, अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन डी अर्जुन लाल सेठी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया? बीकानेर का किला, बाड़मेर का किला, सोनार किला या रणथंभौर। ऑप्शन सी सोनार किला। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालौर का किला या आमेर का किला। ऑप्शन सी जालौर का किला और स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के किले को कहा जाता है। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को किसके रूप में जाना जाता है? शिव, भव्या, खेलर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी खेलर। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? किशनगढ़, अलवर, जयपुर या जोधपुर। इस प्रश्न को कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपनी फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया। दोस्तों, एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए पिछली क्लासों की प्लेलिस्ट उपलब्ध करवा दी गई है, जहां से इन क्लासों को देखकर अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को एक सही मुकाम दे सकें।